Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So before we start, let me quickly introduce myself. My name is Taruna Sharma, an ICAR student from VNMKV Maharashtra. आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लाइव स्टॉक इम्पोर्टेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन पीपल लाइफ एंड लाइव स्टॉक से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी. इस लेक्चर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, रूरल सोशियोलॉजी के लेक्चर भी लिए थे. इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स. इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड बफेलो. इसमें हम बफेलो और कैटल की कुछ स्पेशल ब्रीड्स पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. द फर्स्ट टॉपिक इज इंडाइजीनस कैटल ब्रीड. इंडाइजीनस ब्रीड्स इंडिया की लोकल ब्रीड्स होती है और ये मीडियम साइज की होती है. द फर्स्ट ब्रीड इज गिर. इसका ओरिजिन हुआ है गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात से और इसका कलर होता है डार्क रेड और चॉकलेट ब्राउन टाइप्स. बॉडी साइज होता है मीडियम, मीन्स ये ज़्यादा हाइट में नहीं होती है. और इसका हेड होता है लॉन्ग एंड मैसिव, मीन्स इसका सिर भारी होता है. इस पिक्चर में हम ये कैरेक्टर्स देख सकते हैं. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज इसका फेस होता है नैरो और क्लीन और इसके मसल होते हैं. मसल का मतलब होता है इट इंक्लूड्स नोज एंड माउथ विच इज स्क्वायर इन शेप एंड ब्लैक इन कलर, मीन्स ये डार्क कलर के होते हैं. और इसकी आइज की लोकेशन होती है ईयर के पास, मीन्स जहाँ पे ईयर की रूट्स आती है वहाँ पे इसकी आइज प्रेजेंट होती है. और इसके ईयर्स होते हैं हैंगिंग, मीन्स ऐसे लटके हुए होते हैं. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज हॉर्न, यानी कि इसके सिंग. इसके सिंग होते हैं ब्लैक, मीडियम साइज्ड और शार्पली राउंडेड शेप में होते हैं. हम इसकी हम होती है कूबड़, मीन्स मीडियम साइज की इसकी कूबड़ होती है. और इसकी टेल होती है लंबी और जमीन को छूती हुई होती है. लास्ट कैरेक्टर इज अडल. इसके थन मीडियम साइज के होते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिरकाऊ. द नेक्स्ट ब्रीड इज रेड सिंधी. रेड सिंधी का ओरिजिन हुआ है पाकिस्तान के सिंध स्टेट से और इसका कलर होता है मेनली रेड, लेकिन ये कभी कभी येलोइश और डार्क ब्राउन शेड में भी होती है. और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है कि मेल्स का कलर डार्क होता है फीमेल से और मेल्स का कभी कभी ब्लैक जैसा कलर भी होता है हेड, टेल और फीट के साइड से. इसका बॉडी साइज होता है मीडियम और इसका नेचर एकदम शांत और सरल हो सकता है, मीन्स इसको हम फील्ड में इजीली हैंडल कर सकते हैं. हॉर्न्स इमर्जिंग लैटरली, मीन्स बाहर की तरफ होते हैं. इसकी हम यानी कि कोबर हैवी होती है और अडर्स भी बड़े होते हैं जो हाई कैपेसिटी ऑफ मिल्क को स्टोर करते हैं. और कुछ कैटल्स के अंदर ये अडर्स इतने हैवी होते हैं कि वो पेंडुलस और हैंगिंग होते हैं ऐसे लूज टाइप से. और ये हाई ह्यूमिडिटी क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है इजीली. सो दिस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सिंधी. द नेक्स्ट ब्रीड इज सहीवाल. इसका ओरिजिन हुआ है मॉन्टगोमेरी जो कि पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसकी कुछ ब्रीड्स पंजाब और हरियाणा में भी मिलती है. इसकी बॉडी होती है मीडियम साइज्ड और सिमेट्रिकल और इसका फॉरहेड होता है ब्रॉड एकदम चौड़ा. इसके हॉर्न्स होते हैं थिक और शॉर्ट, मीन्स ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं. और इसकी स्किन होती है एकदम लूज टाइप से, इसीलिए इसको लोला बोलते हैं इसकी स्किन को. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज इसके चेस्ट होते हैं ब्रॉड और डीप और इसकी टेल होती है लॉन्ग और ब्लैक कलर की होती है. और इसके अडर होते हैं लार्ज, ब्रॉड, फाइन स्किन विद प्रोमिनेंट विंग्स. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज टीथ आर गुड, यूनिफॉर्म इन साइज एंड स्क्वायर्स प्लीज्ड. टीथ्स का मतलब होता है अडर और इसकी मिल्क विंग्स होती है लार्ज और प्रोमिनेंट. तो जैसा कि हमें इस पिक्चर में शो हो रहा है कि इसकी स्किन एकदम लूज टाइप से है इसके नेक के यहाँ से, इसीलिए इसको लोला बोलते हैं.
The next indigenous breed is Hallikar. Hallikar का origin हुआ है कर्नाटक के स्टेट से और इसका कलर होता है ग्रे और डार्क ग्रे। इसकी मस्कुलर बॉडी होती है और मीडियम साइज की होती है और इसके लेग्स स्ट्रॉन्ग और हॉर्न्स लॉन्ग होते हैं। इस ब्रीड को मेनली हम खेत में काम करने के लिए यूज करते हैं, मींस ड्राफ्टिंग के लिए। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीड इज खिल्लर। इसका ओरिजिन हुआ है जलगांव और धुले डिस्ट्रिक्ट में और इसका बॉडी होती है सिलेंड्रिकल। इसका हेड होता है लॉन्ग, इसका फॉरहेड होता है लॉन्ग एंड नैरो। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज हॉर्न। इसके हॉर्न होते हैं लॉन्ग और कर्व, मींस पीछे की तरफ घूमे हुए होते हैं। इसकी आईज होती है ब्राइट एंड अलर्ट और इसके ईयर्स होते हैं स्मॉल एंड पॉइंटेड। इसका कलर होता है वाइट और ग्रे। इस ब्रीड के जो मेल होते हैं वो काफ़ी फास्ट और पावरफुल होते हैं, जिन्हें हम फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं और इनकी अच्छी खासी वैल्यू भी होती है। द लास्ट टाइप ऑफ इंडाइजीनस ब्रीड इज थरपारकर। इसका ओरिजिन हुआ है पाकिस्तान के थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से और ये राजस्थान में भी मिलती है। इस ब्रीड को हम वाइट सिंधी, ग्रे सिंधी और थारी भी बोलते हैं। इसका साइज होता है मीडियम और इसका बॉडी कलर होता है वाइट और लाइट ग्रे। इस ब्रीड के जो बुलॉक्स होते हैं वो फील्ड में प्लाइंग और कास्टिंग करने के लिए काम आती है और जो फीमेल्स होती है काऊ वो मिल्क प्रोड्यूस करती है और वो पर लैक्टेशन 1800 टू 2600 केजीज का मिल्क देती है। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ इंडाइजीनस ब्रीड्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीड इज एक्सोटिक कैटल ब्रीड। इसका फर्स्ट टाइप है जर्सी और इसका ओरिजिन हुआ है डेनमार्क टू ऑस्ट्रेलिया। एक्सोटिक ब्रीड का मतलब है ऐसी ब्रीड्स जिनका ओरिजिन हुआ है अदर कंट्रीज से, मींस उनका ओरिजिन इंडिया से नहीं हुआ है। इसके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट वन, इट इज एडेप्टेबल टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। ये ब्रीड वाइड रेंज की क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अडेप्ट कर सकती है, मींस हाई ज्योग्राफिकल कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव कर सकती है। ये ब्रीड एक्सीलेंट ग्रेजर्स होती है। द कलर इन जर्सी मे वेरी फ्रॉम अ वेरी लाइट ग्रे टू माउस कलर टू अ वेरी डार्क फॉन और अ शेड दैट इज ऑलमोस्ट ब्लैक। जर्सी काऊ का कलर काफ़ी वेरी करता है, यानी कि ग्रे से लेकर ब्लैक तक। इस ब्रीड की बुल और फीमेल दोनों का कलर डार्क होता है हिप्स के साइड से, हेड और शोल्डर के साइड से एज कम्पेयर टू देयर बॉडी। द नेक्स्ट ब्रीड इज होलस्टीन फ्रेशियन। इसका ओरिजिन हुआ है हॉलैंड से। इस टाइप की ब्रीड मोस्टली टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलती है, जो कि डेयरी पर्पस के लिए यूज करती हैं। और इनके फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट कैरेक्टर है कि ये रिजिडली ब्यूल्ड होती है, मींस काफ़ी स्ट्रांग होती है एंड पोजेस लार्ज अडर्स। इसके अडर्स लार्ज और हैवी होते हैं और इसमें कुछ कलर पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे कि ब्लैक और वाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं और इसकी नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ होती है 6 ईयर्स की। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीड इज ब्राउन स्विस। इसका ओरिजिन हुआ है स्विट्जरलैंड। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसका कलर होता है लाइट फाउन टू ऑलमोस्ट ब्लैक। और इस ब्रीड की एक स्पेशलिटी है कि ये ट्रिपल पर्पस के लिए यूज़ आती है, मींस मिल्क, मीट और ड्राउट तीनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्रीड क्वाइट, डोसाइल एंड इजीली मैनेजेबल होती है, मींस इसका नेचर शांत और सरल होता है, जिसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट मेल्स वे अबाउट 700 टू 800 केजी एंड एडल्ट फीमेल्स अबाउट 500 टू 600 केजी इसका वेट दे रखा है। एक्सोटिक ब्रीड्स के बाद आती है बफेलो की कुछ स्पेशल ब्रीड्स, जिसमें फर्स्ट है मुर्रा। बफेलोज की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स में मुर्रा आती है और इसका होम है रोहतक, हिसार और सिंध ऑफ हरियाणा।
इसका कलर यूजुअली जेट ब्लैक विथ वाइट मार्किंग के साथ होता है, जो कि टेल्स में इसकी मार्किंग वाइट मार्किंग नज़र आती है। इसके हॉर्न एकदम टाइटली कर्व्ड होते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, एकदम से घूमे हुए हैं। इस बफेलो का मिल्क काफ़ी ज़्यादा होता है, अमाउंट में मिलता है, और ये बटर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीड इज़ जफरबादी। इसका ओरिजिन हुआ है गिर फॉरेस्ट, कच्छ और जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से। इंडिया की सबसे हैवीएस्ट इन ब्रीड में ये आती है, मींस जफरबादी इंडिया की सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है बफेलो में, और ये पर लैक्टेशन 1000 to 1200 केजीस में मिल्क देती है। इसके जो बुलॉक्स होते हैं वो काफ़ी हैवी, ज़्यादा वेट के और प्लाउंग और कार्टिंग के लिए काम आते हैं। द नेक्स्ट ब्रीड इज़ मेहसाना। ये ब्रीड डेयरी पर्पज़ के लिए यूज़ आती है, और इसका ओरिजिन हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र से। इसका इवोल्यूशन हुआ है सूरती और मूरा की क्रॉस ब्रीडिंग से, और ये ब्रीड हैवी वर्क करने के लिए काफ़ी अच्छी है, और इसका पर लैक्टेशन मिल्क होता है 1200 to 1500 केजीज। द नेक्स्ट ब्रीड इज पंधरपुरी। इसका ओरिजिन हुआ है सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ ईस्ट महाराष्ट्र स्टेट। इसका कलर होता है लाइट टू डीप ब्लैक। ये ब्रीड्स काफ़ी अच्छी मिल्कर तो नहीं होती है, लेकिन एवरेज मिल्कर्स में आती है। इसकी टेल होती है लॉन्ग, स्विच ऑफ द टेल इज यूजुअली वाइट व्हाइल हूव्स आर ब्लैक इन कलर, मींस इसके जो पंजे होते हैं वो डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, और इसके हॉर्न्स एकदम लंबे और बैकवर्ड के साइड कर्व्ड होते हैं, जैसा कि हमें पिक्चर में शो हो रहा है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीड इज नागपुरी, और ये ब्रीड्स नागपुर, अकोला, अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में मिलती है, और ये मिल्क प्रोड्यूस करती है 700 to 1200 पर लैक्टेशन। द लास्ट ब्रीड इज सूरती। इसका ओरिजिन हुआ है केरा और बड़ोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। इसका कलर होता है ब्लैक और ग्रे। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने कुछ स्पेशल कैटल की ब्रीड्स पढ़ी थी, इंडाइजीनस और एक्जॉटिक, और बफेलोस की भी कुछ ब्रीड्स पढ़ी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टाइप एंड शेयर।